ओके हेलो वीडियो, वेलकम टू द गाइस सॉरी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ये गोल्ड फार्म पे हैं और ये हम क्यों हैं ये मैं बताता हूँ अभी। तो ये हमारा लाइक सर्वर का कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमारे लाइक सारे कम्युनिटी फार्म्स होंगे, जैसे कि आयरन फार्म एंड जो कि मैं बनाने वाला हूँ वो है हमारा कैल्प फार्म। तो कैल्प हमारा एक्सपी फार्म जो मैंने अपने बेस पे बनाया था, बट वो एक बड़े उस पर बनेगा लाइक लार्ज प्रोडक्शन एरिया पे। तो मैं एक बार यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिस पे हम अपना कैल्प फार्म बनाएंगे। तो 2 मिनट मैं एक बार प्लेटफॉर्म बना लूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जस्ट 1 मिनट। तो ये हमारा हो चुका है, ये मैंने जितना भी ये पानी का एरिया है यहाँ पे हमारा कैल्प उगेगी, ये जितना भी बॉर्डर का एरिया है एंड ये बीच में हमारा सारा रेड स्टोन का काम होगा। तो ये मतलब क्या कहते हैं एक्सपी जनरेट करेगा लाइक पूरे सर्वर के लिए। इसकी वर्किंग आप आगे देखना, मैं बता दूंगा कैसे करेगा। इस वीडियो में मैंने ठीक से समझा रखा है ये कैसे बनता है, अगर आपको अपने उसके लिए बनाना चाहते हो अपने सर्वर के लिए या अपने वर्ल्ड के लिए। तो ये मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने इसमें, तो एंड तक देखना लाइक मैंने अपना बेस्ट दिया एक्सप्लेन करने के लिए, तो स्टे ट्यून। तो ये मैं थोड़े से ब्लॉक कलेक्ट करने गया था एंड ये मैंने ऊपर तक बना चुका हूँ एंड इसकी जो हाइट है नीचे से लेके ऊपर तक ये है हमारी 24 ब्लॉक। एंड 24 ब्लॉक इसलिए चुनी हमने क्योंकि हमारी कैल्प की हाइट होती है 24, तो लाइक उसकी मैक्स ग्रोथ जितनी होती है वो 24 होती है। तो लाइक उसकी प्रोडक्शन मैक्स करने के लिए हमने ये इतना हाई करा। तो ये हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, वेट अ मिनट, ये नीचे एक ब्लॉक छूट गया, इसको कवर करते हैं कोबल स्टोन से कवर करते हैं एंड दूसरे वाला भी होल एक और है वो भी कवर करते हैं। तो ये जो हमारा जहाँ मैं कोबल स्टोन लगा रहा हूँ यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग सिस्टम बनेगा लाइक जहाँ पे हमारी कैल्प आके सारी इकट्ठी होगी। और कैल्प यहाँ पे रुको मैं बताता हूँ कैसे आएगी, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको स्किप मत करना। तो मैं एक बार इसको पूरा कवर अप कर दूँ, ये हमारा इन दोनों लाइन की कैल्प को इकट्ठा करेगा और जो हमारा इधर का है उसका हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो जो कि कलेक्टिंग सिस्टम यहाँ पे होगा। तो मैं एक बार जल्दी से इसको बनाता हूँ एंड फिर मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के बाद। तो क्या मैं एक बार इसको भी कवर अप कर दूं, तो जो ये हमारा कॉर्नर का ब्लॉक है यहाँ पे आके हमारी सारी कैल्प इकट्ठा होगी दूसरे लाइक दोनों उसकी कैल्प की। तो इसको भी कवर अप करते हैं एंड फिर ये मैंने पूरे पानी से भी भर दिया सो दैट ये कवर अप हो सके। एंड ये कैल्प मैंने नीचे से जाके तोड़ी थी, ये मैंने नहीं करा लाइक कैल्प अभी ग्रो हो रही है नीचे से, मैंने कैल्प लगा दी नीचे एंड ये मैंने सारे एरिया कैल्प से कवर अप कर दिया, सॉरी वाटर से भर दिया पूरा। तो इनको पूरा पानी से एक एक ब्लॉक पानी से भरना एंड उसका एक अच्छा तरीका ये है कि नीचे जाके आप कैल्प का एक लगाओ लाइक एक कैल्प लगाओ एंड ऊपर से लाइक एक वाटर बकेट छोड़ो, उसके बाद ये ऐसे लाइक कैल्प उगाते जाओ पानी में वो उगती जाएगी। नहीं समझे तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, जो ऊपर एक और बार बताता हूँ, जो ये ऊपर का ले पानी की लेयर है यहाँ पे पानी रखो, नीचे जाओ, नीचे से कैल्प लगाते हुए ऊपर आओ, वो हर एक ब्लॉक को वाटर ब्लॉक बनाती जाएगी कैल्प एंड फिर वो वहाँ पे कैल्प ग्रो हो सकती है। तो या आगे चलते हैं। तो ये हमारा गोल्ड फार्म प्यारा सा, बहुत एक्सपी लिया हमने इस पर से एंड ये मेरे बाहर पता नहीं रात के 12 बजे क्यों आते जाते हैं बाहर, हम मेरे बोले जा रहे हैं। तो अभी हमें आगे काम करना है, मैं पहले सोच रहा था कि स्टोरेज देखूँ मैं, बट स्टोरेज मैं लाइक अगले एपिसोड में बनाऊँगा, वो थोड़ा ज़्यादा मैसअप है लाइक पूरा डिसाइड करना, तो वो लाइक थोड़ा आगे जाके होगा। बट जहाँ पे हमारी क्रॉप जहाँ पे जाके कलेक्ट होती है मैं वहाँ तक सारे लाइक अपनी कैल्प को कलेक्ट करने के लिए लेके आता हूँ। लेकिन मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, वर्डों में समझ नहीं आया होगा तो मैं करके दिखाता हूँ। तो एक बार मैं ये घूमना बंद करूँ, बहुत देर हो गई गोल गोल घूमते हुए एंड ये सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना। तो एक बार मैं इसको जल्दी से देखता हूँ मैं ये मतलब कलेक्ट करने का तरीका।
तो ये तीन मैंने कर दिया एंड ये लास्ट बची है हमारी। तो मैं एक बार इसको करने का तरीका बताता हूँ कैसे होता है ये। तो एक बार पहले ये जो हमारे ऊपर की बिल्कुल टॉप लेयर है इसको पूरा एक बार कवर करो सो दैट यहाँ से सारा पानी हट सके। एंड देन फिर इन सारे ब्लॉक को हटाओ एंड मतलब ये पूरा एरिया हमें खाली चाहिए। देन फिर ओके ये मैं एक बार सारे कलेक्ट कर लूँ, मेरे पूरे 7 ब्लॉक थे, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता मैं। तो ये हमें चाहिए इसके लिए स्लैब, ठीक है। तो स्लैब हम कुछ इस पर प्रकार लगाएंगे कि यहाँ पे इस लेयर पे लाइक ब्लॉक के जस्ट नीचे यहाँ पे हमें पूरे एरिया में स्लैब लगानी है। एंड ये स्लैब हमें क्यों लगानी है मैं अभी बताता हूँ। लाइक ये पूरा एरिया हमें स्लैब से कवर करना है एंड यहाँ से पानी कलेक्ट करो एंड यहाँ पे एक बकेट पानी की गहरा सो दैट वो सारा पानी बहता हुआ इस साइड आ जाए। अब जितनी भी हमारी क्रॉप नीचे से ऊपर आएगी वो इस वाटर फ्लो की वजह से हमारे जो कलेक्टिंग सिस्टम है ऊपर होंगे जो वहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम हमारे अभी स्लैब आए थे ना इस तरफ, वैसे ही वो यहाँ पे आके लाइक जो हमारे नीचे ऊपर है उनमें जाके कलेक्ट हो जाएगी। लाइक मैंने पिछला अपने जो बेस पे बनाया था मैंने उसमें ये नहीं समझाया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं तो वो अपने उसमें नहीं आएगी जो हमारा साइड में जो हमारा कलेक्टिंग सिस्टम है उसमें। तो एक बार मैं लाइक नीचे से जाके कुछ ब्लॉक लाइक क्रॉप तोड़ता हूँ, मैं इधर की नहीं इधर की तोड़ता। तो एक बार पंच मार के तोड़ते ना एक। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। ये मैंने स्काफ फोल्डिंग उससे लिया था क्या कहते हैं आरजे का, तो थैंक यू आरजे देने के लिए। एंड ओके ये अभी तक आया ही नहीं है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। एक बार तो मेरी सांस अटक गई थी, आए क्यों नहीं। तो ये कुछ लाइक नीचे से ऊपर आते ही ये इस वाटर फ्लो की वजह से हमारे कलेक्टिंग सिस्टम में चली जाएगी। तो ये हो चुका है हमारा पूरा, ये हमने चारों में कर चुका है। अगर आप अपने सिंगल के लिए बना रहे हो ना तो बिलीव मी इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अपने बेस पर बना रखा आप वो बना लो, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो यहाँ पे एक बार हमारा कलेक्टिंग सिस्टम आएगा, मैं उसको अगले एपिसोड में बनाऊंगा। बट जो नीचे से क्रॉप कट करेगा हम उसको बनाते हैं एंड मिलते हैं 2 मिनट में। तो लाइक मैं वहाँ पे अपने उस पर काम कर रहा था अपने का फार्म पे, तो बीच में ये बुलाते हैं मुझे आरजे एंड क्यूब्रेड। एंड ये हमारे एसएसएन का बर्थडे था तो लाइक उसका उसको विश करने के लिए हमने ये तरीका चुना। ये बीच में हमने केक बनाया, बीच में वो पता नहीं ये पूरा आरजे ने बनाया टू बी ऑनेस्ट। ये चेस्ट मेरी है, सारा इसमें सामान मैंने रखा है, डायमंड वगैरह, डायमंड एमरल्ड आयरन एंड ये चारों चीज़ थी। तो ये चारों मैंने रखे, बुक में लिख रखा हमने लाइक जो हैप्पी बर्थडे वगैरह। एंड फिर ये इसका बेस है, हमने ये पूरा केक से भर दिया। एंड फिर ये हमने पूरा केक से भर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये हमारा थोड़ा सा स्कैम छोटा सा, लाइक आते जाते को एरो पड़ेगी जैसे वो अपने बेस में आएगा उसको एरो पड़ेगी। तो ये हमने अंदर से भी पूरा भर दिया, मैं अंदर नहीं जा पा रहा नहीं तो दिखा देता। तो लाइक ये मैं थोड़ी एरो वापस रख दूँ और ये स्कैम हमारा क्यूब्रेड भैया ने करा। तो ऐसे से ना अगर तू मर जाए क्यूब्रेड की वजह से तो उसे बोलियो हमें नहीं, आरजे को और मुझे नहीं। तो लाइक मरेगा नहीं वो बात अलग है, अगर हम लाइक उसको लगा के गिरते हैं पोशन ऑफ वीकनेस वाली एरो तो उससे मर सकता था, बट कोई नहीं। तो ये मैं एक एक लाइक एमरेट भी रख देता हूँ सो दैट पहली बार एमरेट मिले फिर तीर लगे धच्ची कर गए तो बाहर चलते जल्दी से। एंड या हमारा यही है, ये पूरा पाथवे का रखा है इनने केक से। एंड ये हमारा अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, लाइक अंदर हमने डेकोरेशन नहीं करी, आखिरी में वो हटाएगा ही ना। तो या चलते अपने फार्म पे वापस। तो ये हमारा पूरा अंदर का, एंड ये जहाँ पे मैंने हटाए हैं यहाँ पे हमारे लाइक किए जाएंगे क्या कहते हैं पिस्टन। एंड पिस्टन को एक्टिवेट हमें ऊपर से करना पड़ेगा, तो लाइक ऊपर से रेडस्टोन आएगी हमारी नीचे, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो ये हमने सारे पिस्टन लगा दिए एक साइड के, मैं जल्दी से जाके सांस ले लूँ नहीं तो डूब के मैं नहीं मरना चाहता। तो एक बार इसको ये क्या था लोल ब्लॉक के अंदर था मैं, तो एक बार नीचे चलते हैं एंड फिर इसको कवरअप करते हैं इन सारे ब्लॉक को
एंड मुझे पता है एक लेयर अगर किसी ने दिमाग लगा लियो इतना तो एक लेयर हट जाएगी, बट छोड़ो इतनी मैटर नहीं करेगी एक लेयर। तो अभी मुझे अंदर जाके इस ब्लॉक पे भी लगाना पड़ेगा ना, तो उसका कुछ जुगाड़ देखता हूँ मैं। एंड देन फिर ये मैं दूसरी साइड भी लगानी पड़ेगी, वो मैं एक बार जल्दी से लगाता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये मैंने हमने पूरे लगा दिया, फिर ये हमारी रेडस्टोन, ये मुझे थोड़ा देखने में टाइम लगा, नहीं ऊपर से नीचे रेडस्टोन लाने में कैसे क्या लाना होता है, तो ये मैं अभी बताता हूँ ये कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से ऊपर चलते हैं। थैंक यू आरजे फॉर दिस होपर। एंड ये हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रखा है, यहाँ पे दो ब्लॉक लगाए हमने एंड फिर एक रेडस्टोन एंड फिर ऊपर जाके रेडस्टोन टॉर्च लेते हैं, सॉरी डस्ट लेते हैं, यहाँ पे डस्ट रखते हैं फाइनली 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 ओके। तो ये हमने रेडस्टोन रख दी एंड नहीं यहाँ पे रेडस्टोन नहीं लगाना हमें बिल्कुल भी। तो एक बार इसको ओके यहाँ तक परफेक्ट है ओके इस ब्लॉक को हटाते हैं। लेकिन याद रखना ये ब्लॉक हटाना मेरा, एक बार मैक्सअप हुआ था नीचे रेस्टोरेंट ठीक से काम नहीं कराता, तो ये ब्लॉक हटाना एंड फिर ऊपर से ये नीचे सिग्नल लाने में काम करेगा। तो मैं एक बार इसको पूरा बनाता हूँ एंड देन फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसका ध्यान रखना ये ठीक से लगे, दो तीन बार देखना इसको। तो ये हम फाइनली इसको नीचे आ चुके हैं हम एंड ये मैं एक बार टेस्ट देने वाला था इसे। तो मैं ये रेडस्टोन लगाता हूँ सारी जगह, रेडस्टोन रेडस्टोन रेडस्टोन। तो यहाँ पे लगाते हैं अपना सारे ब्लॉक जिस पे हमारे रेडस्टोन धरा जाए। तो यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे ओके फिर इस साइड चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली पूरा रेडस्टोन कंटेन करेगा ये पूरा एरिया। तो एक बार इसको हटाते हैं सब अपनी सारे स्काफ फोल्डिंग को एंड यहाँ पे रखते हैं एक अपना ब्लॉक ओके। तो अभी हम रेडस्टोन लेते हैं एंड ओके ये एक पड़ा था नीचे रेडस्टोन मेरे पास कम है, मुझे लाइक ब्लॉक है मेरे पास, मेरी इन्वेंट्री में लाइक इंटर चेस्ट में रखा था, तो मुझे वापस बेस पे नहीं भागना पड़ा एंड मुझे बेस पे बहुत कम जाना पड़ा था जस्ट बिकॉज मेरे पास वो थी क्या कहते हैं अपना शुल्क सेल, तो उसमें मेरे सारे आइटम रखे थे एंड मैंने वहाँ से ले लिए। तो चलो फाइनली याद आ गया शुल्क सेल। तो अभी चलते हैं अपन ऊपर एंड देखते हैं इसकी वर्किंग ठीक से काम करेगा कि नहीं है। तो एक बार जल्दी से ऊपर चलते हैं, अपने इसका फोल्डिंग लगाता हूँ मैं, मुझे पहले ये लगानी नहीं आती थी बट लाइक आखिरी में तो सीखना पड़ा। तो एक बार जल्दी से ऊपर चलते हैं एंड फिर यहाँ पे अपने एक वो लगा रखा मैंने बटन एंड इसको प्रेस करते हैं एंड पिस्टन की आवाज़ नहीं आई हमारे पास राइट ओके कुछ देखना पड़ेगा मुझे। एंड ये जो हमने रेडस्टोन का लाइक सिग्नल दिया है ये हमारा उससे होगा क्या कहते हैं अपना ऑब्जर्वर से, तो वहाँ पे मुझे ऑब्जर्वर भी लगाना है, वो हम अगले एपिसोड में लगाएंगे तो सो दैट वो ऑब्जर्वर हमें रेडस्टोन सिग्नल दे सके। एंड ये नीचे आके पूरा कट हो जाए हमारे लाइक कैल्प एंड वो ऊपर जाके कलेक्ट हो सके। तो ये इस वजह से हमारा नहीं आ रहा था बिकॉज ये रेडस्टोन उसको पावर नहीं दे पा रही थी, तो इसका कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा हमें। तो मैं सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं, लाइक इसको एक ब्लॉक ऊपर तो शिफ्ट करेंगे नहीं हम, बहुत टाइम लगेगा एक मैं ऊपर से आलसी, तो इस ब्लॉक को हटाएं एंड फिर इसको लगाएं तो क्या ये काम करेगा, चेक करते हैं एक बार लाइक देखते हैं ऊपर जाके। बट वेट अ मिनट, ये फिर इस पिस्टन को पावर नहीं देगा है ना, तो ये काम भी नहीं करेगा है ना, तो कुछ फिर से अलग देखना पड़ेगा हमें। तो क्यों ना एक काम करें, यहाँ पे हमारा दो ब्लॉक का गैप है तो इस रेडस्टोन को रुको दो मिनट बाद हटाते हैं, यहाँ पे एक रेडस्टोन लगाते हैं एंड फिर इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे एक रेडस्टोन ओके होपफुली अभी ठीक से काम करें, इसको एक ब्लॉक ऊपर लाते हैं एंड होपफुली अभी ये ठीक से काम करेगा। तो एक बार ऊपर चलते हैं जल्दी से
एंड ओके ये मेरे पास कम पड़ गए स्कैफोल्डिंग, तो ये बर्द लगाते हैं ना एंड फिर ऊपर चलते अपन एंड ऊपर जाके बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं ऊपर 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 ऊपर, ओके ज़्यादा ऊपर आ गए लोल। तो एक बार बटन प्रेस करते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट, इस बार ये काम करें। तो रेडस्टोन की गया एंड ओके रेडस्टोन एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब पिस्टन एक्टिवेट हो गए। तो एक बार चलते हैं आगे, देखते हैं ये कल पाएगी कि नहीं हमारी ऊपर, एंड अगर आ गई तो हम एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अपना कलेक्टिंग सिस्टम हम अगले एपिसोड में बनाएंगे, तो अभी चलते हैं ऊपर। एंड मेरे पास कैल्प की आवाज़ आ गई मुझे, हमारे पास 3 2 स्टैक और कुछ कैल्प है, देखते हैं हमें आखिरी में कितना मिलता है। तो लाइक या आ गई सारी कैल्प ऊपर आ गई, आवाज़ से ही पता चल गया, तो अभी तक काम कर रही है। एंड फिर हमें आगे जाके अगले एपिसोड में इसका कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, तो वह हम बाद में देखेंगे। तो लाइक अभी तक हमारे पास 3 स्टैक 4 स्टैक आ गया ना, तो ठीक से काम कर रहे हैं, कैल्प भी करो ये ठीक से। तो या दैट्स इज फॉर टुडे वीडियो गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, बी श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर एंड सी यू विद अनदर वीडियो, पता नहीं कब। तो ओके फाइनली हमारे पास 5 स्टैक हो गए, नाइस अच्छी प्रोडक्शन है, आखिरी में एक कुत्ते को भोंकना था लॉल। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तो या कल मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, बाय टेक केयर सी यू।